अपने दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत 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 बधाई देता हूँ सारे टीचरों के लिए। आप लोग एक ताली बजाइए एक साथ में। उसके बाद सारे प्रिंसिपल्स को, उनको भी मैं अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उनके लिए भी एक जोरदार ताली दीजिए। उसके बाद हमारे सारे फैकल्टीज को, जिन्होंने आज के इस खुशरंग महफिल को चार चांद लगा दिया, वो नहीं होते तो ये कुछ भी नहीं होता। इसलिए सारे फैकल्टीज के लिए एक जोरदार तालियां आप लोगों का तरफ से बनता है। उसके बाद हमारे मैनेजमेंट के डॉक्टर खुसरुल साहब को, डॉक्टर आज़ाद सर को, प्रोफेसर अब्दुल कादिर साहब को और सारे हमारे इस इदारे को चलाने वाले जो दिल और जान और रूह है, उनके बगैर ये इदारा नहीं चल सकता। अल्लाह की मेहरबानी से उनकी वजह से ये सब चल रहा है। आज का ये दिन हम लोगों को देखने को नसीब से मिला, इसलिए उनको और उनके पूरे ग्रुप को सबसे ज्यादा जोरदार ताली बजाई। नहीं हुआ, कंजूसी से बजा रही है, जोर से बजा। बोलो ना, हम लोग बजाते बजाते थक गए। बहरहाल देखो स्टूडेंट्स, आज के स्टूडेंट कल के टीचर होंगे, है ना। परसों यही बच्चे बच्चे हमारे फैकल्टीज होंगे, यही बच्चे हमारे लिए प्रिंसिपल बनेंगे, यही बच्चे कल जाके अजमल फाउंडेशन का, अजमल सुपर 40 का, अजमल के हर एक मिशन के नाम को चंद्रयान के साथ चांद में पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। पहुंचाओगे ना? कितने लोग पहुंचाओगे, हाथ उठाओ। तो अभी खाली चंद्रयान में जाने से नहीं पड़ेगा, अभी सूरज यान में भी जाना पड़ेगा। जाओगे सब लोग? हाँ, कितने लोग जाओगे, हाथ उठाओ भाई। मीडिया वाले दिखाओ कि हमारे लड़के लड़कियां भी चंद्रयान में जाने के लिए तैयार है और हम लोग अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार है। इसलिए मैं अपने बच्चे बच्चियों से ये कहूंगा कि आपकी जिंदगी का ये बहुत कीमती वक्त है। इससे ज्यादा कीमती वक्त जो एक एक सेकंड गुजर रहा है, वो आपके जिंदगी में फिर आने वाला नहीं है। अपने वक्त को बर्बाद मत करो, दोस्ती में बर्बाद मत करो। कोई दोस्त कल काम आने वाला नहीं है और कोई दोस्तनी भी कल काम आने वाली नहीं है। अगर आप लोग अपना नाम बड़ा करोगे, ऊंचा करोगे, तो यही दोस्त लोग आपको ढूंढ ढूंढ के आएंगे। हम चाहते हैं हमारे बच्चे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जाकर टीचर बने, जामिया मिल्लिया में बने, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बने, बनारस यूनिवर्सिटी में बने और इससे बड़े बड़े जो भी हमारे मुल्क में कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ जब हम जाएं तो हमें कोई भी बच्ची आके ये कहे कि सर मैं अजमल फाउंडेशन से या अजमल के स्टूडेंट हूँ, मैं वहाँ थी, आज मुझे देख के ये खुशी हुई कि हमारे जो टीचर्स लोग आए। मैंने इसीलिए दत्ता से कहा कि इन लोगों के नाम के साथ ये बताओ कि हमारी एक स्टूडेंट है। इसलिए आप लोग सब, क्योंकि ये अजमल फाउंडेशन एक स्कूल का नाम नहीं है, ये चेन ऑफ स्कूल्स का नाम है। गांव गांव में, गली गली में एजुकेशन की रोशनी को आपको लेके पहुंचाना है। आपको अपनी जिंदगी को फालतू चीजों में बर्बाद नहीं करना है। आपको बड़े से बड़ा साइंटिस्ट बनना है, आपको बड़े से बड़ा डॉक्टर बनना है, आपको बड़े से बड़ा इंजीनियर बनना है, आपको आईटी के इंजीनियर बनने हैं और इससे ज्यादा आज साइंस से तरक्की करते हैं लोग, इसरो के। आसाम में एक लड़का गया है, साबिर अली या क्या नाम था, आसाम से भी एक लड़का है इसरो में। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग अपने बाप दादा का रोशन नाम रोशन करें, अजमल फाउंडेशन का नाम रोशन करें, अजमल अली सेठ साहब का मरहूम का नाम रोशन करें, अमीरुद्दीन अजमल का नाम रोशन करें, फखरुद्दीन अजमल का नाम रोशन करें, बदरुद्दीन अजमल का नाम रोशन करें, सिराजुद्दीन अजमल का नाम रोशन करें और हमारे छोटे भाई मरहूम नज़ीर का, उसकी फैमिली का। आप लोगों का ये जो बनता है बिल्डिंग, इस बिल्डिंगों के बनने में, आपके एक एक इदारे में
इन लोगों का लाखों नहीं करोड़ों रुपए का अवदान है, तब जाकर ये बिल्डिंग बनता है। इसलिए आप दिल में इरादा कीजिए, कल मैं एक दिन आएगा एक एक कॉलेज बनाऊंगी, मैं मेडिकल कॉलेज बनाऊंगी। आप लोगों के ऊपर हमारी बहुत उम्मीदें हैं, खाली ताली बजाने से नहीं चलेगा, ताली और जोर से बजाओ, लेकिन कल काम करके दिखाना पड़ेगा। करेंगे सब लोग काम? क्या काम करेंगे? अच्छे बच्चे बनके दिखाएंगे, पढ़ाई में दिल लगाएंगे। कल कॉलेजों में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाके भटक तो नहीं जाओगे? हाँ, दुश्मन बहुत आएंगे तुम लोगों को लुभाने के लिए, क्योंकि हम लोग खिला पिला के तुम लोगों को खूबसूरत खूबसूरत बना के भेज रहे हैं। वहां जब जाओगे तो ये शैतान लोग पीछे पीछे आएंगे, उन लोगों का हाउस बिल्ला भी शैतान रजीम पढ़ के भेज देना, लाहौल वाला पोता इल्ला बिल्ला पढ़ के भेज देना। ठीक है, इंशाल्लाह करोगे, सब नाम रोशन करोगे, अपने बाप दादा का देश का नाम रोशन करोगे, इस मुल्क का नाम रोशन करोगे, यही हमारी आशा है और हमारी दुआएं हैं। लग जाओ अपने पढ़ाई में, कुछ मत सोचो, किसी को मत देखो, तकलीफ हो रही है होने दो, बगैर तकलीफ के दुनिया में कोई काम नहीं होता। कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। आप लोग अपना घर बार छोड़ के आया हो, गरीब हो पैसे वाले हो, लेकिन माँ बाप के साथ जो आराम मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ खाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसलिए आप लोग अभी भी खो रहे हो और आगे भी ये सेक्रीफाइस दोगे, इसकी पूरी उम्मीद के साथ मेरी सारी दुआएं अजमल हाउस की, पूरी दुआएं अजमल फैमिली की, फसरुल साहब की, कादिर साहब की, आजाद सर की और आपके टीचरों की, सब दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहो, आबाद रहो, दुनिया में जहां भी रहो कामयाब रहो, शैतानों के चक्कर में मत पड़ना। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद। Start!